राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि अपने यहाँ से आपके इस साहित्य चैनल से साहित्य चैनल से निरंतर आपकी सुविधा के लिए आपके अध्ययन के लिए जो लेसन अपलोड किए जा रहे हैं उनमें दसवीं कक्षा और बारहवीं कक्षा की अंग्रेज़ी यानी अभी टेक्स्ट बुक शुरू हो रही है हिंदी अनिवार्य आज हम हिंदी अनिवार्य के पाठ शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य पहले से भी अपलोड है और भी शुरू किया जा रहा है राजनीति विज्ञान के दो पाठ अपलोड कर दिए गए हैं हिंदी व्याकरण ट्वेल्थ कक्षा की हिंदी व्याकरण संपूर्ण हिंदी व्याकरण है वो अपलोड कर दी गई है और आप इस पाठ के लिंक में जा कर के में जा कर के और उस लिंक के माध्यम से हिंदी व्याकरण का अध्ययन भी कर सकते हैं विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है और लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको एक लिंक भी दिया गया है उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं तो आज हम आइए हम शुरू करते हैं हिंदी अनिवार्य और हिंदी अनिवार्य का पहला पाठ प्रिय विद्यार्थियों हिंदी अनिवार्य जिसमें प्रथम पाठ संत वाणी के नाम से दिया गया है और इसमें जो संतों के परिचय है संतों की जो व्याख्याएं हैं संतों का जो काव्य है वो उसमें दिया गया है आज हम सबसे पहले ले रहे हैं कबीरदास कबीरदास जो तेरा सो अठानवे लेकर के पंद्रह सो अठारह ईस्वी तक इस पृथ्वी पर रहे सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से एक कवि परिचय या लेखक परिचय का होता है वो चार अंकों का होता है तो सबसे पहले हमें जब भी हम पढ़ेंगे किसी भी कवि को पढ़ेंगे तो कवि को पढ़ते समय हम उसका परिचय अवश्य ही पढ़ेंगे ताकि परिचय क्लियर होने पर हमारे जो प्रश्न आते हैं परिचय से संबंधित वो उसी समय क्लियर हो जाए और उस परिचय में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आ जाएंगे परिचय व्याख्या और प्रश्नोत्तर इनका अध्ययन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम कबीर का परिचय पढ़ते हैं कबीर के परिचय के बारे में देखिए कबीर जो है वो भक्ति काल की यानी आपको परिचय इस प्रकार लिखना है भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि एकेश्वरवाद में विश्वास करने वाले संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर महान संत सच्चे समाज सुधारक एवं यथार्थवादी कवि थे इनका जन्म तेरह सौ अट्ठानवे ईस्वी में एक किमदती के अनुसार महात्मा रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ लोकलाज के भय से लहर तारा तालाब में छोड़ दिए जाने पर न्यूरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया कबीर अनपढ़ थे कबीर ने रामानंद से दीक्षा ली कबीर जी नाथ पंथ के हट योग से प्रभावित होने के कारण निर्गुण राम के उपासक बने शंकराचार्य की मायावाद और अद्वैतवाद का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा उन्होंने किसी विद्यालय से शिक्षा नहीं पाई जैसा कि उनके बारे में लिखा गया है कि मसी कागज छुआ नहीं कलम गही नहीं हाथ अर्थात मैंने कागज और शाही को छुआ ही नहीं है और ना ही मैंने कभी कलम हाथ में लिए अर्थात इसका अर्थ है कि कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे यानी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर अनपढ़ थे तो उसमें ये जो पंक्ति है वो काम आती है अपनी अनुभूतियों को सहज और प्रभावशाली ढंग से जन जन तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता बाह्य डम्बर कुरीतियों का विरोध कर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया कबीर की प्रतिभा में अबाध गति वे तेज था उन्हें पहले समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा देखिए इस प्रकार आपको अंडरलाइन करना है जो विशेष होता है उसे अंडरलाइन करना है आपको वाणी का डिक्टेटर कहा है कवि ने अपनी सपाट बयानी और तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है और बीजक के तीन भाग हैं साखी सबद और रमेणी आज हम जो पढ़ेंगे वो साखियां पढ़ेंगे साखी का अर्थ वैसे शिक्षा से है संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से जन जन तक जो संदेश पहुंचाया उसका विवरण निम्न प्रकार से है सबसे पहले उनका है ईश्वर का स्मरण ईश्वर के स्मरण के बारे में कबीर कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान दसवां द्वार देहुरार तामे ज्योति पिछाण अर्थात हमारा मन मथुरा और दिल है वो द्वारिका के समान और हमारी काया हमारा तन है वो काशी के समान अर्थात पवित्र होना चाहिए और दसवां द्वार देहुरा दामे ज्योति बिछाना था दसवें द्वार में अर्थात अपने जो दसवां द्वार है जहाँ पर हमारी समाधिस्थ होकर के हम ध्यान लगाते हैं वहाँ पर हमें ईश्वर की का ध्यान लगाना चाहिए समाधिस्थ होकर कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाए ऐसे राम रामहर दुनिया देखे ना यानी इनके बारे में भी कहा है इनके जो दोहे हैं है, वो आगे हैं उनकी है। देखिए कबीर ने बाहेडम्बरों का भी विरोध किया है बाह्य डम्बरों का विरोध कैसे किया है कि कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बेहरा हुआ खुदाए कबीर के परिचय के बारे में या कबीर ए, के बारे में जब लिखा जाता है यानी यू कह सकते हैं कि कबीर ने बाहे आडम्बरों का विरोध किया कैसे समझाइए तो इसमें आप ये लिख सकते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पहाड़ ताते या चाकी भली पीस खाए संसार ये इसका परिचय है जिसमें आपको इस प्रकार लिखना है मनुष्य की अज्ञानता का वर्णन भी उन्होंने किया है एक कनक और कामि दो अगन की अर्थात सोना और कामिनी जो है सोना और नारी है ये दोनों अग्नि की ज्वाला के समान है देखे ही तन प्रचल प्रसाहू पेमाला अर्थात इनको देखने से ही व्यक्ति मोहित हो जाता है जल जाता है तो इनका स्पर्श पाने से तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है सुंदर दे सूलि बलिर बिरला बंचे को अर्थात सुंदरियों सुरा सुंदरी के संयोग से तो सूली ही अच्छी है अर्थात इनके फांस से बिरले ही कोई व्यक्ति बसता है लोह निहाला अगन में जलवल कोयला हो विषय कर्म की केंचुली पहर हुआ नर नाग सिर्फ ओढ़े सूझे नहीं को अगला भाग अर्थात व्यक्ति की अज्ञानता का वर्णन किया है कि जिस प्रकार एक नाग जो होता है वो केंचुली धारण कर लेता है कैंसुली पहन लेता है तो वह कुछ भी नहीं देख पाता सिर फोड़े सूझे नहीं अर्थात व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत होकर के कुछ भी उसे नहीं सूझता है न ये अच्छा है या ये बुरा है देखिए इसके कबीर ने संसार की नश्वरता का भी वर्णन किया है कि ये ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगन भूल अर्थात ये श्यमल के फूल की तरह है जो दस दिन में प्रफुल्लित होकर के नष्ट हो जाने वाला है कबीर कहाँ गर्भार ऊंचा देख आवास काल जमी पर लेटना और जामे ऊपर जामे घास कबीर कहते हैं कि हमें ऊंचे ऊंचे आवास मकान सुख सुविधाओं और इस भोगविलास को देख करके कभी भी गर्व या अभिमान नहीं करना चाहिए कल ही हमें इस पृथ्वी पर लेटना है अर्थात जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये पृथ्वी ही नसीब होती है और ऊपर घास उग जाता है अर्थात हमें ये जो क्षणिक अर्थात क्षणभंगुर सुविधाएं हैं इन पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कबीर आत्मीय साधना कबीर आत्मीय साधना और मन की पूजा में विश्वास करते थे कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखा व्यंग्य किया है कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी का अर्थ है पंचमेल का अर्थ है कि कबीर जो है वो भ्रमण करके देश यानी देश के कोने कोने में भ्रमण करके वो उपदेश दिया करते थे तो जहाँ गए वहाँ की शब्दावली उनके शब्दों में आ गई है जैसे जिसके कारण राजस्थानी पंजाबी पूर्वी हिंदी ब्रिज भाषा इन्हीं शब्दों का प्रयोग होने का कारण है कि वो घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे कबीर का देहावसान पंद्रह ईस्वी में मगहर में हुआ और जिसके लिए एक दोहा प्रचलित है कि समद पंद्रह किया मघहर माघ सुदी एकादशी रला पोन में पोन यानी माघ सुदी एकादशी को उनका देहावसान हुआ था ये तो था उनका परिचय परिचय के बाद में अपने जो कबीर के जो दोहे हैं उनके दोहे का दोहे को लिखते समय दोहे की व्याख्या करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है देखिए एक तो लिखना होता है प्रसंग उसके बाद व्याख्या उसके बाद विशेष तो प्रसंग जो है प्रसंग में क्या लिखना होता है प्रसंग में काव्यांश को जिस पुस्तक कविता या खंड से लिया गया है उसका परिचय दिया जाता है और व्याख्या से पूर्व उस काव्यांश का थोड़ा परिचय देना होता है प्रसंग में यह होता है व्याख्या क्या है व्याख्या कवि के काव्य में से उद्धृत काव्यांश को सरल शैली में समझाना ही व्याख्या सरल शैली में हमें समझाना है और तीसरा पॉइंट होता है इसका विशेष विशेष एक तो भाव पक्ष में से लिखना है और एक कला पक्ष में से लिखना है जैसे शब्दावली है जैसे छंद अलंकार रस भाषा शैली यानी काव्यांग परिचय में उन्होंने कैसा प्रयोग किया है तो इन दो पक्षों को उन्हें विशेष में लिखना है तो आप जब व्याख्या करेंगे तो आपको प्रसंग लिखना है पहले फिर व्याख्या लिखनी है और फिर उसका विशेष लिखना है ये ध्यान रखना है तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये कबीर के जो दोहे हैं इन कबीर के दोहों के लिए एक ही प्रसंग आप ध्यान में कर लीजिए और कबीर के जैसे परीक्षा में जब आते हैं तो तीन दोहों से कम नहीं आते हैं चार से ज्यादा नहीं होते मतलब तीन दोहे तीन से चार दोहे आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं और उनकी व्याख्या करनी उनका प्रसंग करना होता है तो उनके लिए आप कबीर के दोहों के लिए प्रसंग आप ये याद कर लीजिए कबीर के चाहे कोई भी दोहा आए तो आप इसी प्रकार का प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत दोहे भक्तिकाल के निर्गुण ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि समाज सुधारक एवं संत कबीर द्वारा विरचित संत वाणी शीर्षक से उदर्त है प्रस्तुत साखियों में कबीर ने मानव को सदाचरण गुण ग्राहकता सत्संगति एवं स्वस्थ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है कवि ने इन दोहों में उपदेशात्मकता के माध्यम से मनुष्य जीवन को सरल आडंबरहीन बनाकर मधुरभाषी होने का उपदेश दिया है आपको ये प्रसंग आपको याद करना है अब हम देखते हैं दोहे देखिए पहले दो दोहे देखिए जो आपके पाठ्यक्रम में है कबीर क्या कहते हैं कबीर कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार इसको आप व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कभी कबीर कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कभी कबीर कहते हैं कि हमें सब कुछ एक बार में ही अर्पित कर देना चाहिए अर्थात त्याग करते समय हमारे मन में ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए ऐसे दृढ़ भाव होने चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब ईश्वर का है त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार था अर्थात इस प्रकार का त्याग कीजिए जिसमें एक ही बार में सारी साधना संपन्न हो जाए और त्याग करते समय हमारे मन में इस प्रकार का निश्चित विचार होना चाहिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं त्याग कर रहा हूँ वह ईश्वर का है ईश्वर का दिया हुआ ईश्वर को समर्पित करना मेरा कर्तव्य है मेरा इसमें कुछ भी नहीं है मैंने जो त्याग किया है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है इस दोहे में आप देख सकते हैं कि त्याग करने नहीं करने के लिए लोभ लालच नहीं करने का उपदेश दिया है आप विशेष में लिख सकते हैं इसमें सुनिए गुण की बारता बारतार था श्रेष्ठता सुनिए गुण की बार ओ गुण लीजिए ना ही हंस शीर को गहत है त्यागे जाए बहुत अच्छी बात है इसमें वार्ता का अर्थ श्रेष्ठता व्यक्ति को श्रेष्ठता ग्रहण करनी चाहिए अर्थात श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करना चाहिए अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए अवगुणों को ग्रहण नहीं, नहीं करना चाहिए जिस प्रकार जिस प्रकार हंस दूध में मिले हुए पानी को अलग करके दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है ऐसा कहा गया है कि हंस जब दूध पीता है तो उसमें से केवल और केवल दूध कोई पीता है पानी को अलग कर देता है नीर त्यागे जाए अर्थात पानी को छोड़ देता है तो इन दोनों में आप विशेष क्या लिख सकते हैं इन दोनों में आप विशेष ये लिख सकते हैं कि कबीर ने त्याग करने की अर्थात लोभ लालच नहीं करने का उपदेश दिया है दूसरी बात है ज्ञान चेतना और भक्ति चेतना का वर्णन इसमें किया गया है व्यक्ति को विवेकशील होने का वर्णन इसमें दिया है भाषा सरल है और गेय पद है अगले देखिए दो दो है छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव बावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पी कबीरदास कहते हैं कि जब व्यक्ति करता और भोगता अर्थात करता और भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है तो वह है व्यक्ति आत्मिक रूप से सुखी हो जाता है अर्थात हमारे मन में यह भाव होने चाहिए कि चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे हृदय में अर्थात मैं मेरे ईश्वर को समर्पित हूं और भाव से मैं ईश्वर की आराधना करता हूं चाहे कोई कुछ भी कहे परंतु उस दशा में आत्मा और परमात्मा अतीव आनंददायक प्रतीत होते हैं अर्थात आनंददायी जीवन व्यतीत करना चाहिए अगले में कहा है कि जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवारकार पड़ा रहे हिंदो ज्ञान कबीरदास कहते हैं कि हमें संत जन या साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए संत जन या साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए अर्थात साधु कि कोई जाति नहीं होती है उसे हमें ज्ञान की बात करनी चाहिए उसे हमें ज्ञान लेना चाहिए जैसे म्यान की अपेक्षा तलवार का मोल करना चाहिए मोल करो तलवार का पड़ा रहो म्यान अर्थात म्यान की अपेक्षा हमें तलवार का मोल करना चाहिए श्रेष्ठता तलवार की होती है म्यान की नहीं होती है अर्थात हमें बाहरी चमक दमक देख करके किसी व्यक्ति के गुणों का आकलन नहीं करना चाहिए व्यक्ति के गुणों का आकलन उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए वेशभूषा से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है व्यक्ति की पहचान आपको ज्ञान से करनी चाहिए इन दोहों में आप लिख सकते हैं कि कवि ने बाहरी वेशभूषा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और एकनिष्ठ भक्ति भावना का परिचय दिया है भाषा सरल शैली में है और सुबोध है अगले दोहे में देखिए आप पांचवा और छठा सात ही दोहे हैं आपके अर्थात सात दोहे हैं और सातों में क्या लिख रहे हैं देखिए कि संगत कीजिए साधुकीर कभी न निष्फल हो संगत कीजिए साधुकीर कभी न निष्फल हो लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो एक बहुत ही सुंदर बात कही है कबीरदास कहते हैं कि हमें साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए सज्जन व्यक्ति की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है अर्थात हमें अच्छा फल देने वाली होती है जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है उसी प्रकार साधु व्यक्ति की संगति में रहने से हमारा जीवन जो है वह इन बुराइयों से दूर होकर के सांसारिक आसक्तियों से दूर होकर के और भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है आप इसमें एक और भी बात है इसमें छोटी सी बात है कि पारस और यानी लोहा जो होता है वो पारस के स्पर्श करने से सोना बन जाता है लेकिन साधु या सज्जन व्यक्ति की संगति एक ऐसी होती है जो इस पारस से भी बढ़कर होती है कैसे पारस सो, लोहे को सोने में सोना बनाता है लेकिन पारस तो नहीं बनाता लेकिन साधु या सज्जन व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति को भी अज्ञानी व्यक्ति को भी स्वयं जैसा ज्ञानी बना देता है अर्थात वो स्वयं जैसा ही कर देता है तो साधु या सज्जन व्यक्ति है उसकी संगति का कोई मूल्य नहीं है आगे लिखा है मारी आशा सांपिनी जिन डसिया संसार ताकि ओ सदोष है कबीरदास कहते हैं कि जिससे सारा संसार अर्थात संपूर्ण संसार डरता है यानी आशा रूपी अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि रूपी सांपिनी ने संपूर्ण संसार को डस रखा है संपूर्ण संसार को अपनी फांस में बांध रखा है जिससे संपूर्ण संसार उसके वसीबूत है उसकी फांस में बदा हुआ है और ताकि दोष है इस आशा रूपी अर्थात रूपी सांपिनी को मारने की दवा अर्थात उसे उसकी दवा यानी जो व्यक्ति इस सांसारिकता में मोहित हो जाता है उसकी दवा एक ही है संतोष जब व्यक्ति के पास संतोष होगा तो रूपी सांपनी उसके पास नहीं आएगी ये गुरु मंत्र विचार अर्थात इस श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके और इस दुराशा को समाप्त कर सकते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि हमें रूपी सांपनी को मार देना चाहिए जिन्होंने संपूर्ण संसार को डस रखा है और इस रूपी सांपनी को मारने की औषधि है संतोष और ये संतोष अर्थात इस संतोष रूपी श्रेष्ठ मंत्र के द्वारा आप इस दुराशा को समाप्त कर सकते हैं देखिए इसमें आप विशेष लिख सकते हैं कि व्यक्ति के सदवचन और संतोष रखने के लिए कवि ने संदेश दिया है और एक इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है आशा सांपनी इसमें रूपक अलंकार है कौन सा अलंकार है इसमें रूपक अलंकार है आगे देखिए सातवां और अंतिम दोहा कागा काको धन हरे कोयल किसको देत मीठा शब्द सुनाए के जग अपना कर लेत राजिया का एक दोहा है उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे कड़वा लागे काग रसना रागुण राजिया जो आगे आपके आ जाएगा कागा काको धन हरे कबीरदास कहते हैं कि कोवा किसका किसके धन का अपहरण करता है और कोयल किसे धन लाकर के देती है अर्थात किसी का नुकसान नहीं करता है लेकिन और ना ही कोयल किसी को लाभान्वित करती है ना ही कोयल किसी को देती है लेकिन मीठे शब्दों के माध्यम से कोयल संपूर्ण संसार को अपने वशीभूत कर लेती है और कोवा वाणी के माध्यम से वाणी के कारण सभी लोगों को अच्छा नहीं लगता है यानी कोयल जब बोलती है तो व्यक्ति सुनने को लालायित होता है और कौवा बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं तो इसे कहा गया है कि अर्थात कौवा किसी के धन का हरण नहीं करता कौवा किसी को नुकसान नहीं देता और ना ही कोयल किसी कुछ ही देती है और ना ही कोयल लाभान्वित करती है लेकिन अपनी मीठी वाणी के कारण उसने संपूर्ण संसार को अपना बना रखा है तो व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए अर्थात बोलते समय एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कबीर का एक दोहा है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान ये तराजू तोल के तब मुख बाहर यानी बोली जो है वो एक अमूल्य है यदि कोई बोलना जानता है हमें बोलने से पहले हृदय रूपी तराजू पर शब्दों को तोल लेना चाहिए कि इन शब्दों का वजन क्या है इन शब्दों का अगले पर क्या असर होगा तब अपने मुंह से बाहर निकालने चाहिए तो ये था आपका आज का पाठ और भाग ए धन्यवाद जय हिंद जय भारत सभी विद्यार्थियों को और अगला जो पाठ है यानी अगला लेसन तुलसीदास शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत